हेलो फ्रेंड्स, यार बच्चों का जो एक मेजर डाउट है वो ये है सर, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन में हमारे मार्क्स नहीं बन रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, LR को अटेम्प्ट करना है या DI अटेम्प्ट करना है, एंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि LRDI में मेरा जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो माय नेम इज सौरभ कोठारी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से भाई आपको प्रैक्टिस करनी है एंड कौन कौन से क्वेश्चन को अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो भाई अगर मैं बात करूँ सबसे पहले LR और DI एज अ सेक्शन की, तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, आपके 4 जो सेट आएंगे वो LR से आएंगे, 4 सेट जो है वो आपके DI से आएंगे। अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो LR में आपका लीनियर अरेंजमेंट हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो गया जिसमें आपके सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए या अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए, इसके बाद लॉजिकल कंडीशंस जिसमें आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, उसके बाद भाई न्यूमेरिक लॉजिक जिसे आप बोलते थे अरिथमेटिक बेस्ड DI या LR बेस्ड DI, उसके बाद भाई आपके क्रिटिकल पाथ जिसमें आपको बताना होता है शॉर्टेस्ट टाइम किस में लगेगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, देन आपका भाई गेम्स एंड टूर्नामेंट में भाई आपके क्वेश्चन या तो हॉकी से आते हैं, क्रिकेट आते हैं, राउंड रॉबिन क्या होता है, नॉकआउट क्या होता है, देन आपके ट्रुथ लाई कॉन्सेप्ट कि भाई कुछ लोग हैं उसमें से कुछ लोग सच बोल रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं तो आपको बताना है, एंड देन भाई कुछ ऑकवर्ड पजल्स या अदर पजल्स मैं बोल सकता हूँ जो आपका LR का पोर्शन है। अगर मैं DI की बात करूँ तो भाई DI में आपके टेबल्स पे क्वेश्चन आते हैं, जो नया ट्रेंड आया वो आया है टेबल्स विद मिसिंग वैल्यूज़, उसमें टेबल में वैल्यूज़ नहीं होती वो आपको फिल करनी होती हैं, देन आपका केसलेट्स आता है या फिर आप बोल सकते हो DI बेस्ड LR, तो भाई LR बेस्ड DI के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, DI बेस्ड LR भी आता है, देन आपके लाइन चार्ट के ऊपर क्वेश्चन या फिर बार चार्ट के ऊपर क्वेश्चन या पाई चार्ट हो गया इन सब के ऊपर, एंड देन अदर डायग्राम्स, एंड आपने देखा होगा बहुत सारे में वेन डायग्राम्स आता है जिसमें भाई डायरेक्ट आपको दे रखा होता है 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, सेट थ्योरी का क्वेश्चन बनता है पूरा, एंड इस तरह से आपका पोर्शन क्लियर होता है। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में परसेप्शन होता है पहले से, वो एक प्री कंसीव नोशन के साथ जाते हैं, सर मुझे तो 12 अटेम्प्ट करने हैं, मुझे तो 16 अटेम्प्ट करने हैं, मुझे LR ज़्यादा करना है, मुझे DI ज़्यादा करना है। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना, आपको जो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन के मेरिट के अकॉर्डिंग करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कहा सर मेरा अरेंजमेंट अच्छा और मैं अरेंजमेंट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 जो सेट हैं वो बहुत ईजी होंगे, 2 मॉडरेट होंगे और 2 डिफिकल्ट होंगे। तो मेरा जो सजेशन है वो ये रहता है कि आप पहले पूरे के पूरे सेक्शन को स्कैन कर लो, 2-4 मिनट लगाओ एंड सारे के सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करो, माइंड में ये मत रखो अरेंजमेंट दिख गया तो सॉल्व करने लगे, हो सकता है वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो एंड आपने उसमें हाफ एन आवर वेस्ट कर दिया हो, दैट शुड नॉट हैपन। तो व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच, कि पहले आप 5 मिनट लगा के सारे क्वेश्चन रीड कर लो एंड देन उनको अटेम्प्ट करो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है, LRDI का एक सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको भाई बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है, यहाँ पे आप पैनिक हो गए तो गलती करोगे। तो ये बात ध्यान रखना, आपके पास जो 1 आवर है इसके भाई 30 मिनट्स आप ये सोचते हो मुझे क्या करना है, रेस्ट 20 मिनट्स आप थोड़ा बहुत करते हो एंड सिर्फ 10 मिनट आपको लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अगर आपने क्वेश्चन उठा लिया है आप उसे सॉल्व करने लगे हो तो एटलीस्ट भाई उसे 7-8 मिनट्स दो, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन की डायरेक्शन सही है तो उसे करो, अदरवाइज यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी एक टारगेट मत रखो मुझे 12 ही करने हैं, मुझे 16 ही करने हैं, यू गिव योर बेस्ट शॉट, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए उतने करो, तो उससे क्या होगा तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हो सकता है इस साल भाई पेपर में क्या हो रहा है LRDI ईजी हो जाए बट क्वांट डिफिकल्ट हो जाए, तो ऐसा थोड़ी आप 15 क्वेश्चन करके 99% ले आओगे, जनरली ऐसा होता है, पिछले 4-5 साल से ट्रेंड रहा है कि LRDI डिफिकल्ट है बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। तो अगर मैं बात करूं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या चल रहा है, तो भाई लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आपको LRDI में 99 परसेंटाइल चाहिए थे तो आपको 45 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस आपको 15 करेक्ट क्वेश्चन करने थे। इफ यू वर टारगेटिंग 98 परसेंटाइल तो आपको भाई अराउंड 14 मान लो या 13 क्वेश्चन के आसपास करने थे। अगर आप 95 टारगेट कर रहे थे तो आपको 11 क्वेश्चन करेक्ट करने थे, 95 परसेंटाइल आ रही थी, 90 परसेंटाइल के लिए भाई आपको अराउंड 10 क्वेश्चन सही करने थे, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, आउट ऑफ 34 अगर आपने 50% पेपर भी सही से कर लिया तो यू विल गेट अ डिसेंट परसेंटाइल अगर हम लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो। और अगर आपकी भाई प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं पता LRDI में क्या करना है क्या नहीं करना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भाई पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, देन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे क्वांट में होता है आप क्वेश्चंस को करने से पहले टॉपिक को पूरा समझते हो, तो LRDI में कंपैरेटिवली टॉपिक कम है बट डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए। तो अगर भाई आप एक लास्ट मोमेंट पर रिवीजन देख रहे हो तो भाई एक पूरा LRDI का स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें हर टॉपिक जितने भी LRDI के मैंने बताए हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस तक कराए जाएंगे, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 20 वर्कशॉप्स होंगी जिसमें हर एक वर्कशॉप में एक एक टॉपिक कराया जाएगा, फिर एंड में कुछ मिसलेनियस ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो आपको इस साल देखने को मिल सकते हैं। जो टाइमिंग रहेगा क्लास का वो रहेगा 9-11, बिल्कुल लाइव बैच होगा
एंड भाई इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी ताकि आप रिवीजन करना चाहो तो कर पाओ। सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे, कैट लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो होंगे, एंड जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो है 4,000 रुपीज़। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे। अगर मैं फैकल्टीज की बात करूँ तो जो वर्कशॉप लेंगे वो या तो मैं लूँगा या फिर आशीष सर लेंगे, हु हिमसेल्फ इज आई एम बैंगलोर कॉल होल्डर एंड करेंटली स्टडिंग इन एक्सएलआरआई जमशेदपुर। तो भाई ये स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, स्पेशल वर्कशॉप्स होंगी जो आप अटेंड करोगे। अगर आपके भाई अच्छे लेवल का एलआरडीआई तैयार है तो भी आप अटेंड कर सकते हो क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। अगर आपके भाई बिल्कुल बेस हिला हुआ है तो क्योंकि टॉपिक बेसिक से स्टार्ट होंगे तो यू विल लर्न ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो क्लासरूम होगा वो इस तरह का कुछ आपको दिखेगा जिसमें यहाँ टीचर लाइव आएगा, आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप लॉगिन करोगे, एंड लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे क्लास लाइव देख सकते हो, टीचर से आप डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो, लाइव बात कर सकते हो, वीडियो एक्सेस ले सकते हो, अपने डाउट क्वेश्चन ले सकते हो। तो ये भाई पूरा पूरा प्रोसेस रहेगा, एंड बाकी मैंने आपको डिटेल्स बता दिया किस तरह अपने क्वेश्चन को पिक करना है। क्वेश्चन की मेरिट पे जाओ, पेपर को पहले स्कैन करो, हर क्वेश्चन को 7 to 8 मिनट जो टारगेट रखो कि भाई मुझे अपने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, एंड एक्यूरेसी जो है अपनी बिल्डअप करनी है। तो ये भाई पूरा क्रक्स है इस वीडियो का। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एलआरडीआई सेक्शन। कुछ और डाउट है तो भाई यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी सारे हमने इंपॉर्टेंट वीडियोस डाटा इंटरप्रिटेशन एलआर की डाली भी हुई है, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके एलआरडीआई की, एंड यू कैन सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।